जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल, मैं हूं आगे शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के सामने एक जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। देखो, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं आखिरकार वो पढ़ना नहीं चाहते। आप लोगों को बता दें, बहुत सारे बच्चों की तो मजबूरी होती है, वो इसलिए नहीं पढ़ पाते, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी, जो 11th क्लास की बायोलॉजी है या 12th क्लास की बायोलॉजी है, इसका कोचिंग नहीं लगाते या इसकी स्टडी नहीं करते। आखिरकार आप ऐसा करते ही क्यों हैं? क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए नहीं पढ़ते? क्या आपको बेस्ट टीचर नहीं मिल पाते इसलिए नहीं पढ़ते? या आपको कोई तीसरा व्यक्ति भड़का देता है? जैसे बहुत से टीचर कह देते हैं कि बायोलॉजी क्या पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी तो रटने वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी तो लड़कियों वाला सब्जेक्ट है। तो इस तरीके के जो टर्म्स हैं बहुत से टीचर्स बोल देते हैं, जिसके कारण बच्चा पढ़ता नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की लाइफ की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लेगा। किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि बायोलॉजी का पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और आपने बायोलॉजी को पढ़ना ही छोड़ दिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया कि बायोलॉजी तो सिर्फ खुद से भी पढ़ी जा सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सी बात ऐसी होती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि ये तो खुद से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वास्तव में बच्चे को किसी ना किसी टीचर के द्वारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कोई दूसरा समझाएगा, टीचर एक्सपर्ट समझाएगा, तो समझ में आ जाते हैं। लेकिन बच्चा करता क्या है कि जब सेल्फ स्टडी वास्तव में करता भी है तो उस समय इजी चीज़ें जो होती हैं किताब में से या मॉडल में से, वो सारी इजी चीज़ों को याद कर लेते हैं। और इजी चीज़ों को याद करने के बाद उसको लगता है कि उसे बहुत कुछ आता है, उसे लगता है कि पेपर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो पेपर में बैठता है, जब वो पेपर देने के लिए जाता है, तो प्रॉब्लम्स ये होती हैं, उसके मन से यही आवाज आती है पेपर देखने के बाद, यही कहता है कि यार पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन पेपर में वो नहीं आया जो हमने पढ़ा था। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं वो इजी चीजों को पढ़ते हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है, जहां लॉजिकल चीजों की बात आ जाती है, जहां पर लैंग्वेज हार्ड हो जाती है, उस चीज को आप पढ़ते नहीं, बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, आप पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ें, मैं ये कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पढ़ो, सीखो, समझो, समय दो। क्योंकि आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इंटर में बायोलॉजी ले रखी है, तो आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है। सिंपल सी बात है, इन फ्यूचर आप लोग जाएंगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है, या नर्सिंग डिपार्टमेंट जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं, या एमबीबीएस करते हैं, या नीट एग्जाम देते हैं, किसी भी चीज के अंदर वो जाते हैं, तो आप लोगों को बता दें उसके सिलेबस के अंदर मोस्टली चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, वो देखने को मिलेंगी आप लोगों की बायोलॉजी वाली, एनाटॉमी वाली, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, प्लांट से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं मोस्टली आपका जो सिलेबस होता है जब एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है आप लोगों का, या जैसे मान लो कोई किसी डिपार्टमेंट में, जैसे डी फार्मा वगैरह करते हो, या डीएमएलटी करते हो, ऑप्टोमेट्री करते हो, बीएससी नर्सिंग करते हो, जब उसका सिलेबस जब आप पढ़ते हैं तो मोस्टली उसमें चीजें बायोलॉजी की होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का उसमें बहुत ही कम स्कोप होता है। लेकिन आप लोग क्या काम करते हो, आप लोग बिल्कुल उल्टा करते हो। आप लोगों की क्या है, आप लोग भाई साहब फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ते, जिस चीज पर आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, जो आपकी लाइफ को बनाने वाला सब्जेक्ट है, जो आपके आने वाले समय में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है, उसी चीज को आप सबसे कम समय देते हो। और आपको बता दें, मैं ये नहीं कह रहा किसी बच्चे से कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, देखो सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा किसी में, लेकिन किसी सब्जेक्ट को छोड़ना भी नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर में बायोलॉजी ले रखी है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री लगा रखा, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे। वो भाई आखिरकार बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे? बायोलॉजी पढ़ने के बाद में ही तो आप लोग जो दिमाग है वो आप लोगों का दिमाग खुलने वाला है, आप लोगों को बॉडी के बारे में जानकारी मिलने वाली है, एनवायरनमेंट की जानकारी मिलने वाली है, सभी चीजों की जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, जो रियल लाइफ से संबंधित भी है वो भी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो इस चीज को आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप लोग वास्तव में इसको छोड़ देते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी, बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, तो नुकसान क्या होगा, बात करते हैं नुकसान की। तो ये नुकसान होगा कि इन फ्यूचर जब आप कोई सा भी मेडिकल लाइन का एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके फर्स्ट ईयर इंटर के बायोलॉजी के, सबसे ज्यादा। जैसे नीट का पेपर आप लोग देने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को बता दें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं आपके बायोलॉजी के होते हैं, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा नंबर के 360 नंबर की बायोलॉजी ही आती है, और बायोलॉजी आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी, तो भाई साहब बताओ कैसे सिलेक्शन हो पाएगा आप लोगों का।
क्या कर पाओगे सिलेक्शन? नहीं हो पाएगा। एम यू में जाओगे आप लोग, वहां पर भी आप लोगों का बायोलॉजी वाला सेक्शन आएगा, कैसे करोगे? आपने तो पढ़ी नहीं है। सीयूटी का एग्जाम दोगे या मान लो कोई डीफार्मा का जीका का एग्जाम हो गया है, सभी जगह पर फर्स्ट एंट्री की बायोलॉजी आती है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आपने इंटर तक क्या आप लोगों ने क्या क्या इंटर तक आप लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं रहा है। नाइन्थ में आप लोग पढ़ते नहीं हो, कोई पढ़ाता नहीं है। हाई स्कूल में आप लोग बहुत कम पढ़ते हो, फर्स्ट इंटर में आप बायोलॉजी को पढ़ते नहीं हो, और फिर आप सोचते हो कि भैया हम मेडिकल लाइन में जाएंगे, फिर आप सोचते हो कि हमारा फ्यूचर जो होगा वो डॉक्टरी लाइन का होगा। तो कैसे पॉसिबल है? मुझे तो पॉसिबल नहीं नजर आता। फिर क्या होता है कि आने वाले समय में जब आप फर्स्ट इंटर यहां तो बढ़ते नहीं है, एडमिशन मान लो कहीं पर हो भी जाता है, आप लोग डीफार्म वगैरह में कहीं पर प्राइवेट वगैरह में ले भी लेते हो, तो भाई साहब वहां पर जब पेपर होगा तो वहां पर तो फुल टू बायोलॉजी की क्लास जब चलेगी तो आपके तो बेसिक पूरे हिले हुए हैं। ना बेसिक पढ़ रखा, ना एडवांस पढ़ना, ना मिडिल कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो वहां की पढ़ाई आप लोग कैसे समझ पाएंगे? कैसे आप कोई कोर्स कर पाएंगे? जब आप कोर्स नहीं कर पाएंगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा। और दूसरी नंबर की बात, अगर कोर्स करते भी हैं तो वहां पर आपकी लाखों रुपये फीस जाएगी, और फिर भी वहां पर जो बातें पढ़ाई जाएंगी समझाएंगी जाएंगी वो आपके समय नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों ने तो फर्स्ट इंटर पर ही नहीं रखा। तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और इस चीज को आप लोगों को समझना चाहिए। आपको बता दें, एडमिशन अगर आप लोगों का कहीं पर हो जाता है तो उसके बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है ये वहां पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाली, बहुत कम, इसका परसेंटेज बहुत ही कम मिलेगा। तो जिसका सब्जेक्ट, जिसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है ना, तो उस चीज को आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। और जो आपके, जैसे मान लो बायोलॉजी वाले के लिए बोल रहा हूँ, जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं, जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पढ़ो भाई पढ़ो, मैं ये मना नहीं करूंगा, मैं किसी को पढ़ो, लेकिन आपको वो छोड़ना नहीं, बायोलॉजी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। बहुत से कहते हैं कि सर हमारे स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते है ना, आप लोग सोच के देखिए। बहुत से कहते हैं सर हम खुद से पढ़ लेंगे। अरे भैया खुद से कैसे पढ़ोगे? जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 3 दिन की छुट्टी दे दिया है, बोल दिया है कि भैया पीछे का सिलेबस का रिवाइज कर लो, तो घर पर जाकर वो 3 दिन भी नहीं पढ़ता है, तो कैसे आप अंदाज लगा सकते हो कैसे आप खुद से पढ़ लोगे? कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें खुद से लगन होती है, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भाई आप बायोलॉजी को इतना हल्के में मत लिया करो जितना आप लेते हो। आपको बता दें, बायोलॉजी वाले बच्चे को इसीलिए सामने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लड़कियों वाला सब्जेक्ट ले रखा है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? या फिर वो कहते हैं अरे यार ये तो रट्टा वेकेशन वाला सब्जेक्ट है, या मान लो फिर इंटर के जस्ट बाद आप जैसे फर्स्ट इंटर आप लोगों की हो जाती है उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते तो फिर आपको डिमोटिवेट हो जाते हो, माइंड में नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, उल्टे सीधे विचार वगैरह भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने नॉलेज गेन नहीं की। क्यों आते हैं? क्योंकि आप भरोसे थे रट्टा मारने पर, आप भरोसे थे मॉडल के ऊपर, या आप भरोसे थे किस चीज़ के ऊपर कि भाई पास तो हो ही जाएंगे। तो भैया जो व्यक्ति से पास होने के लिए बैठा हुआ है तो भैया मॉडल पढ़ो और हो जाओ पास, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई आपको पास ही नहीं होना, क्योंकि भाई हम पढ़ते क्यों हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम पढ़ने के बाद में कोई अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छी जॉब कर सकें, या मान लीजिए अच्छा हम अपना खुद का बिजनेस डाल सकें, या मेडिकल लाइन में अपना फ्यूचर बना सकें। हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें आगे अपना फ्यूचर भी बनाना, उस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। तो जिस चीज़ को हमें फ्यूचर के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे, तुलना करेंगे फ्यूचर के अलावा तुलना करेंगे, तो आप जो बच्चा को फ्यूचर में कुछ करना होता है वो वास्तव में पढ़ता है, और जिसको फ्यूचर में कुछ नहीं काम करना भाई साहब वो नहीं पढ़ता। उसको बस यही होता है कि बस हम पास लोग हो जाएं, बस हो गया काम खत्म। मैं सभी जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे आसपास या जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ऐसी गलती मत करो कि आप लोग क्या काम कर रहे हो कि फर्स्ट ईयर इंटर की बायोलॉजी को नहीं पढ़ते। भाई पढ़ो, ये भी एक मेन सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा लाइफ को बनाने वाला सब्जेक्ट है, इसमें अच्छी नॉलेज मिलेगी आप लोगों को, अच्छा ज्ञान मिलेगा, समझो सीखो रटो मत। और आप लोगों को बता दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी बच्चों से बोल रहा हूं, शेयर करो अपने दोस्तों के पास जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे कि वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। अगर जहां कहीं भी पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी अच्छा हमसे भी पढ़ना चाहता है तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम भी आप लोगों की हेल्प कर देंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं।